हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग हम किचन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो ये ब्लॉग ओडिया चैनल में आ चुका है। मेरे जितने भी ओडिया सब्सक्राइबर हैं, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ सिम्बर आई, यानी कि सेम की सब्ज़ी, और चावल के लिए पानी चढ़ा दी हूँ। यहाँ कुछ मसाला मैं रेडी की हूँ, जो कि मैं सिलबट्टे पर इसे पीसूँगी। और मैं यहाँ कुछ सूखा सोखी हूँ, सूखा यानी कि ड्राई फिश। ये आपको पता होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। ये तो उड़ीसा में बहुत ही फेमस है, उड़ीसा के लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चावल का जो पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था, वो गर्म हो गया है, तो यहाँ मैं चावल निकाल रही हूँ। आज मैं अपने और मेरे मॉमी लॉ के लिए पारवॉल राइस बना रही हूँ, जिसे उसुना भातो बोलते हैं उड़ीसा में। और हम लेडीज़ को हमारे फैमिली में उसना भातो यानी कि पारवॉल राइस ज़्यादा पसंद है, और बट हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ मैं श्रिम्प फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। यहाँ मैं इसके लिए मसाला लेके आ गई। अभी आप देख सकते हो, मैं एक ड्राई मैंगो सोक की थी, जिसे मैं ये सिम की राई में डालूँगी। ये देखिए, मसाला भी रेडी है। मसालों को मैंने सिलबट्टे पर पीसा था, इसलिए ये थोड़े से दरदरे रह गए हैं। मुझे सिलबट्टा चलना इतना नहीं आता, बट मेरे जो ग्राइंडर के छोटे वाले जार हैं, वो थोड़ा ख़राब हो गया है, इसलिए मुझे सिलबट्टे पर बनाना पड़ा। तो इसे मैं छान के इसमें डालूँगी, ताकि ये कड़वा ना लगे, जो सरसों के दाने रहते हैं। आप सभी को ये सेम की राई बहुत अच्छे से आता होगा। ये एक ऑथेंटिक करी है हमारे उड़ीसा की। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बीच बीच में मैं चावल चेक कर रही हूँ, हो रहा है नहीं। नॉर्मली जो पारवॉल राइस होता है, वो तो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और वहाँ सेम की जो राई है वो बनके रेडी है। इसे मैं निकाल के रख दूँगी। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, तो अभी डाल रही हूँ। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे हेट कमेंट्स में ये लिखा था, जो कि मेरे उड़ीसा से हैं, और मुझे उन्होंने लिखा था कि घर का कुछ काम भी करते हो या खाली ऐसे ही हस्बैंड के साथ गाड़ी में घूमते रहते हो। तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि डियर सिस्टर, अगर मैं घर का काम नहीं करती, तो मेरे हस्बैंड के जो मनपसंद की डिशेस है, उनको जो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट और कौन बना के देता होगा। जितने भी रूटीन मैं शेयर करती हूँ, वो तो कोई और नहीं करता, वो तो मैं खुद ही करती हूँ। तो आगे से अगर आप ऐसे हेट कमेंट कर रहे हो, प्लीज़ कुछ ऐसा लिखो जिसे मुझे हॉट ना हो। और आज आप कुछ सोच समझ कर, पता लगा कर ही आप लिखो। ब्लॉग देखा करो, आपको पता चल जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ मैं जो ड्राई फिश सोक कर की थी गर्म पानी में, उसमें बहुत सारे एक्सेस सल्ट होते हैं, इसलिए इसे गर्म पानी में सोक करती हूँ मैं। और अभी इसे मैं फ्राई कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। कोई भी ननवेज अगर हम मस्टर्ड ऑयल में कुक करें, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल है, हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरी और मेरी मॉम इन लॉ के लिए है। हस्बैंड के लिए बस मैंने चावल अलग से बना कर रख दिया है, और कुछ नहीं बनाया अभी तक हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड और मैं थोड़ा लेट लंच करेंगे जब हस्बैंड आ जाएंगे। लेकिन मेरी जो मम्मी लॉ हैं, वो थोड़ी आर्ली लंच करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले हमारे लिए बना के रख दूँगी, फिर हस्बैंड के लिए दाल सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ मेरे जो ड्राई फिश थे, वो फ्राई होके हो गए हैं, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, अभी इसमें मैं थोड़ी सी प्याज देख के फ्राई करूँगी। यहाँ जो चावल है, वो भी बनके रेडी है, और इसे मैं, आप देख सकते हो, ये जो पारबॉइल्ड राइस होता है, ये बहुत मोटा मोटा होता है, और नॉर्मल वाला अलग से होता है, लेकिन हम उड़िया हैं और हमको ये पारबॉइल्ड राइस ज़्यादा अच्छा लगता है।
वहाँ प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गए, इसलिए मैं उसमें टमाटो ऐड कर रही हूँ। टमाटो को मैं अच्छे से गलने के लिए ढक के रख दी हूँ। उसमें मैं नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ड्राई फिश में ऑलरेडी बहुत सारे नमक होते हैं। उसमें जब भी आप उसमें सब्ज़ी बनाओ नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ मैं सरसों का ऑयल गरम की हूँ, इसमें गोभी और आलू मैं फ्राई करूँगी। हस्बैंड के लिए मैं गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी एक कटोरी बस, जो कि बहुत ही इजीली देसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ। आप देखते जाओ, ये बिल्कुल आज की जो गोभी आलू की सब्ज़ी भी है ये ओडिया स्टाइल में जैसे मेरे मम्मी बनाते हैं वैसे मैं बना रही हूँ। वैसे मम्मी के जितना टेस्टी तो मैं नहीं बना सकती क्योंकि उनके हाथों में जो है वो जादू है। ऐसा कोई डिश नहीं जो वो नहीं जानते, और सब कुछ मैं उन्हीं से ही सीखी हूँ। मैं बिल्कुल उन्हीं के लिए ही ये खाना बनाना सीख पाई हूँ। बहुत मन करता है हमेशा कि मम्मी के हाथ का खाना खाऊं। आप देख सकते हो वहाँ मैं टमाटो जो है गल गए थे, इसलिए मैं वहाँ भी मसाला ऐड कर दी हूँ। और मसाले थोड़े 2 मिनट चलाने के बाद उसमें मैं फ़िश भी ऐड कर दी, और यहाँ गोभी भी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं तो मैं अभी गोभी का मसाला भी ले आई हूँ। देख सकते हो ये कलर चेंज हो गया गोभी और आलू का। यहाँ मैं फिर मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। वैसे तो मैं फिर बता रही हूँ कि हस्बैंड को मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं इसे हाई फ्लेम में गरम करके रख देती हूँ ताकि उनको पता ना चले कि ये मस्टर्ड ऑयल है। वैसे ये एक सीक्रेट है, अगर हस्बैंड ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं कभी कभी मस्टर्ड ऑयल में भी बना लेती हूँ बोल के। प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, यहाँ देख सकते हो आपको जो मेरी सुखुआ वाली सब्ज़ी है यानी कि ड्राई फिश की सब्ज़ी है बिल्कुल मसालेदार रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ऐसे ही चावल के साथ खा जाओगे। और वहाँ देखिए मैं जो पहले से चावल हस्बैंड के लिए बना के रखी थी उसे मैं गर्म कर रही हूँ। यहाँ ऑनियंस अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अभी मैं यहाँ जो मसाला रेडी की थी उसे मैं ऐड कर रही हूँ ऑनियंस में, और उसे थोड़ी देर के लिए चलाऊँगी। ये बिल्कुल सिंपल सा मसाला था, जीरा था उसमें, लहसुन था और एक लाल मिर्च था। और यहाँ मैं देखिए हल्दी और लाल मिर्च पाउडर फिर ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी, और नमक ऐड कर रही हूँ। बस ये भुनने के बाद इसमें मैं गोभी ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी लगता है बिल्कुल देसी स्टाइल, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सिल बट्टे में बटा हुआ जो मसाला होता है उसका तो टेस्ट ही कुछ अलग होता है, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है इसलिए हम हमेशा ब्लेंडर का यूज़ करते हैं। और ये रहा गोभी आलू की सब्ज़ी, मेरा बन के रेडी है। यहाँ मैं दाल चढ़ा दी हूँ, उधर जो मैं राइस गरम करने के लिए रखी थी वो हो गया है। अभी मुझे कुछ प्लेट्स की और कुछ बॉल्स की ज़रूरत है इसलिए मैं थोड़े से बर्तन धो दूँगी यहीं। किसी सिस्टर ने पूछा था कि आप बर्तन धोते हो या नहीं, आप इतना वीडियो कैसे शूट कर लेते हो, काम बस खाना ही बनाना होता है आपको। ऐसा नहीं है डियर सिस्टर, मुझे जब भी जो भी काम मिलता है मैं कर लेती हूँ। मुझे कोई भी काम करने के लिए लेजी नहीं लगता, जो मुझे मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं लगता थकान होता है जब मैं कुछ हैवी कपड़ा धोऊं, जैसे कि डबल बेडशीट वगैरह अगर मुझे हाथ से धोने होते हैं तब मुझे थकान सा लगता है, नहीं तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेती हूँ। मुझे कभी ये करने में लेजी नहीं लगता। वैसे तो मेरे 2 मेड हैं जो कि खाली बर्तन के लिए ही आते हैं, एक सुबह आते हैं जो कि कढ़ाई स्टील बर्तन वगैरह धोने के लिए, और ये सिंक वाले बर्तन धोने के लिए एक इवनिंग को आते हैं जो कि आज आएंगे, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना मैं निकाल ली हूँ धो के। यहाँ मैं गैस ऑफ कर रही हूँ क्योंकि फिश जब बनता है तो घर में एक किचन में एक अलग सी स्मेल आ जाती है, इसलिए मैं एक साइड साफ़ कर रही हूँ। मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके किचन को साफ़ करने करके रेस्ट करने की आदत है, फिर जाके मैं खाना खाती हूँ। और जब मैं खाना बनाती हूँ तब भी मैं एक बार किचन को साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो मैशी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये पोंछ के रख रही हूँ। इधर दाल भी हो गया है,
और ये वाला जो चूल्हा है मैं इसे भी पूछ लूँगी। आपने यहाँ कुछ नोटिस किया होगा ज़रूर कि इसका जो बर्नर है एक टेढ़ा है। जब हम इसे रिपेयरिंग के लिए दिए थे तो उसने टेढ़ा लगा दिया और सीधा करके नहीं दिया, तो हम इसी में काम चला रहे हैं। वैसे तो हमारे पास दो चूल्हे हैं जो कि बाहर एक लगा हुआ है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था जब मैं चिली चिकन की रेसिपी शेयर की थी। उस चूल्हा जो है हम बाहर वाले वरंडा में लगाए हैं और ये वाले अंदर लगाए हैं। ऐसे करके मैं सारा किचन पूरा साफ़ कर लूँगी। जब ये साफ़ हो जाएगा तब भी जाके मुझे रिलैक्स लगता है कि मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। तो ये देखिए सारा किचन मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ कभी खाना बनाई थी। मुझे ऐसे ही पसंद है, ये सब मैं अपनी माँ से सीखी हूँ। और कुछ सिस्टर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैं अपना किचन टूर करवाऊं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है किचन टूर करवाना, क्योंकि ये जो किचन है ये मेरे मोमिन लॉ का है और उन्होंने अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ सारा सामान सेट किया हुआ है। किसी दिन मैं अपने मदर की जो मेरी माँ की जो किचन है उसकी टूर ज़रूर करवाऊँगी, आई प्रॉमिस। चलिए मिलते हैं लंच में। और ये रहा मेरे हस्बैंड का लंच थाली, उनके लिए चावल ली हूँ, दाल ली हूँ, गोभी आलू की सब्ज़ी ली हूँ और यहाँ देख सकते हो एक ऑमलेट बना के दी हूँ, वहाँ ककड़ी ली हूँ, ककड़ी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अभी उनको मैं सर्व कर दूँगी और मेरा ही भी थाली लगा लूँगी, हम दोनों मिलके लंच करेंगे। ये रहा मेरा थाली, चावल, सूखा की सब्ज़ी और यहाँ सिम राई और वहाँ दाल ली हूँ। लंच हमारा हो गया है और यहाँ मैं चॉकलेट खा रही हूँ। आज मीठे में चॉकलेट है, मीठा आज नहीं खाऊंगी। आज चॉकलेट खाने का बहुत मन कर रहा है इसलिए मैं यहाँ चॉकलेट ही खा रही हूँ। वैसे तो मैं चॉकलेट लवर हूँ, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यही एंड कर रही हूँ। ब्लॉग को एक लाइक करना ना भूलें। आप ब्लॉग तो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं होता। प्लीज़ आप इनक्रेज कीजिए और एक लाइक कर दीजिए, लाइक बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।